एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, कन्नौज राजा हर्षवर्धन का राज्य, थानेश्वर से लेके कन्नौज तक राजा हर्षवर्धन का राज्य था। हर्षवर्धन महान धर्मात्मा और दानी राजा था। प्रयाग में एक अवसर पर उन्होंने इतनी धन संपदा का दान किया, सारा धन संपदाएं समाप्त हो गईं, देने के लिए कुछ बचा नहीं। एक याचक फिर भी मांगता रह गया और वो वापस जाने लगा कि कोई बात नहीं महाराज, आपके पास अब देने को कुछ नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ। राजा हर्षवर्धन ने कहा, ठहरो, अभी मेरे पास मेरे वस्त्र हैं। हर्षवर्धन ने अपनी बहन से एक वस्त्र मांगा और अपने सारे वस्त्र उतार कर उस याचक को दे दिए। अपनी बहन से मांगा हुआ वस्त्र उसने लपेट लिया। ऐसे धर्मात्मा और दानी राजा थे हर्षवर्धन 6वीं शताब्दी में। उनके बाद यहाँ कन्नौज में राजा जयचंद हुए। जयचंद के बारे में सभी लोग जानते हैं, उसकी पुत्री थी संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान, जिसको यहाँ से ले गए। असल में जयचंद अपनी बेटी की शादी पृथ्वीराज से करना नहीं चाहता था। जब स्वयंवर हो रहा था, पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए जयचंद ने पृथ्वीराज का एक पुतला पहरेदार के रूप में खड़ा कर दिया बनवा के। संयोगिता ने उस पुतले के गले में माला डाल दी। पृथ्वीराज वहां आया और संयोगिता को ले गया। लड़ाई भी हुई, युद्ध भी हुए, झगड़े भी हुए। इस बात से चिढ़कर जयचंद ने मोहम्मद गौरी से संधि की और आक्रमण कराए और पृथ्वीराज चौहान मारे गए। हालांकि शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने मार डाला, किंतु स्वयं भी मारे गए। ये है कन्नौज, जयचंद का राज्य, जिसकी बेटी थी संयोगिता और जिसको दिल्ली ले गए पृथ्वीराज चौहान। इस विवाह से जयचंद प्रसन्न नहीं था, खिन्न था। उसने मोहम्मद गौरी से संधि की, दिल्ली पर चढ़ाई की, पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया और आगे आप जानते हैं। चंद्र बरदाई ने कहा मोहम्मद गौरी से, हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाते हैं। और राजा एक तरफ खड़ा हो गया, मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज को कहा गया अब आप बाण चला के दिखाइए। दूसरी तरफ घंटा बजाया गया। चंद्र बरदाई ने कहा, इतनी दूर, इतने बांस, इतने हाथ, इतने अंगुल पर ये मोहम्मद गौरी खड़ा है, पृथ्वीराज चौहान इस अवसर को चूको मत और इसको मार डालो। उसने अपनी कूट छंद में कहा, जिसके अर्थ को केवल चंद्र बरदाई जानता था या पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने बाण मारा और सीधे मोहम्मद गौरी को खत्म कर दिया, हालांकि बाद में वो भी मारे गए। ये है हमारे भारतवर्ष का इतिहास। राजा रहे ना रही राजधानी, पाप और पुण्य की रह गई कहानी, पाप और पुण्य की रह गई कहानी। किला इसको कहा जाता है जो अब केवल टीले में बदल गया है, केवल अवशेष हम देख सकते हैं। आप देख रहे हैं इधर ये
पुरानी ईंटें हैं। प्राचीन काल में राजा हर्षवर्धन का ये साम्राज्य और बाद में जयचंद का ये किला कहा गया। आज केवल मट्टी ही मट्टी है, धूल ही धूल है, इतिहास है मनुष्य के सत्कर्मों का और दुष्कर्मों का। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।